प्रतिष्ठा हुई और आज ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से एक बड़ा ऐलान। उन्होंने बताया है कि रामलला का दर्शन करने उनकी कैबिनेट एक साथ अयोध्या जाने वाली है। कैबिनेट के सारे मंत्री एक साथ होंगे, रामलला के दर्शन करेंगे। हालांकि इसकी तारीख अभी तक तय नहीं हो पाई है। उनकी तरफ से कहा गया है कि जल्द ही तारीख तय कर ये हम जरूर बताएंगे कि कब आखिर मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल अयोध्या जाने वाला है। लेकिन इससे पहले भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस बात का जिक्र कर चुके हैं, जब उज्जैन में उनका संबोधन चल रहा था उस दौरान उन्होंने कहा था कि भले ही अभी प्राण प्रतिष्ठा के दिन नहीं पहुंच पा रहे हूं, लेकिन एक साथ पहुंचेंगे एक दिन जरूर, जब अयोध्या में भगवान राम के दर्शन करेंगे। एक साथ का जब वो जिक्र कर रहे थे तब शायद किसी ने तात्पर्य नहीं सोचा होगा कि मंत्रिमंडल का जिक्र उनकी तरफ से किया जा रहा है। अब उनकी तरफ से ऐलान कि पूरे कैबिनेट को ये सौभाग्य मिलेगा कि एक साथ पहुंचकर अयोध्या में भगवान राम के दर्शन कर सके। और चूंकि हर प्रवेश का अब नंबर आएगा, कौन किस क्रम के साथ जाता है वहां पर दर्शन करने, ये देखने वाली बात। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से चूंकि ऐलान हो चुका है तो बहुत ही जल्दी आप इस आयोजन को देखेंगे। पूरी कैबिनेट एक साथ होगी, मंत्री एक साथ मुख्यमंत्री के साथ पहुंचकर रामलला के दर्शन करते हुए आपको अयोध्या में जल्द ही नजर आने वाले हैं। और मध्य प्रदेश से अगर ये सिलसिला शुरू हुआ है तो अलग अलग राज्यों को आप देखेंगे, हो सकता है उनकी तरफ से भी ऐसा ही निर्णय हो कि पूरी कैबिनेट सहित दर्शन किए जाए। फिलहाल मध्य प्रदेश को लेकर जानकारी। ये रोम रोम में राम है तो परमात्मा की कृपा से एक बार फिर ये नई आज से इबारत लिखी जाएगी और आज के बाद भारत दुनिया में फिर और नए प्रकार से अपनी स्थिति संपन्न होकर के विकास की यात्रा और मानवता की यात्रा को लेकर आगे बढ़ेगा। मेरी अपनी ओर से पुनः सबके प्रति शुभकामना और पूरे आयोजन के लिए भाजपा इकाई को भी धन्यवाद। जब हमारी तारीख आएगी तो सारे के सारे लोगों के साथ हम सब अयोध्या जाएंगे और भगवान राम के दर्शन करेंगे। परमात्मा करे हम सबके सामने यह अवसर जल्दी आए। जय श्री राम।